नमस्कार दोस्तों, मैं खेताराम एक बार टैक्स समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल शीट के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके हम अपने फॉन्ट में कलर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, कुछ नया सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं सीधा अपने पीसी पे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने फॉन्ट में कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके कलर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट में ऑलरेडी एक डेमो कंटेंट मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, मंथ और टोटल सेल्स ऐसे तीन कॉलम यहाँ पे जनरेट किए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे टोटल सेल्स के अंदर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि सपोज हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी है, जैसे कि जिस महीने में 500 से कम सेल हुआ है वो बाय डिफॉल्ट रेड कलर में लिखा हुआ आ जाना चाहिए, और जिस महीने में 500 से अप सेल हुआ है वो बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक 500 से कम रेड कलर में और एक 500 से ज्यादा ग्रीन कलर में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जिस कॉलम के अंदर हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है उस कॉलम को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे नंबर वाला जो लिखा हुआ है उसके एग्जस्ट सामने एक छोटा सा आइकॉन आपको दिखेगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ नजर आएगा, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+1, तो सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधे बॉटम पे चले जाना है, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कंडीशन देनी है कि लेस देन 500 बाय डिफॉल्ट रेड कलर में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डबल ब्रैकेट में रेड लिखना है, दोबारा डबल ब्रैकेट, यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है लेस देन 500। ठीक है, और यहाँ पे हैज यहाँ पे हमें लिखना है, दोस्तों यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे यदि हम @ लगा देते हैं तो वो टैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हमें टैक्स के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे हमें @ लगाना होगा। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें सेमी कॉलन का यूज करना है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह हमें दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देना है कि ग्रेटर देन 500 यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाना चाहिए, तो सेम डबल ब्रैकेट ग्रीन और यहाँ पे दोबारा डबल ब्रैकेट, और इस बार हम क्या करेंगे ग्रेटर देन 500। ओके, और नंबर का यहाँ पे कलर चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे हैज लगाएंगे सेमी कॉलम स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं 500 से नीचे की वैल्यू यहाँ पे टाइप करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कलर रेड आ जाएगा, देखिए। ठीक है, और 500 से अप मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम सपोज मान लीजिए 500 यहाँ पे लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें हमें कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 500 के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है, सो यहाँ पे ब्लैंक हमें दिखेगा। ठीक है, तो यदि 500 को भी हमें इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हम इक्वल टू या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा, देखिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके हम अपने नंबर्स या फिर टेक्स्ट पे बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।